तो हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। मैंने अपने आईफोन 13 के अंदर iOS 18.1 का जो लेटेस्ट अपडेट आया था उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया गाइस। आपको दिखा लेता हूँ मैं। तो गाइस, कोई भी ग्रीन लाइन स्क्रीन वगैरह ऐसा कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला। आप इसको इजीली से इंस्टॉल कर सकते हो। कोई भी इस अपडेट में आपको दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलती गाइस। काफ़ी अच्छा अपडेट है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर कल ही रात को अपडेट किया था, आप यहाँ पे देख पा रहे हो iOS इज अप टू डेट। ठीक है, 18.1 का मैं जो अपडेट है पूरा इसको मैंने अपडेट कर लिया एकदम अच्छे से। ठीक है, इसमें अब आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं गाइज। जो बैटरी प्रॉब्लम थी वो फिक्स हुई है कि नहीं हुई है? तो गाइज, मुझे तो कोई बैटरी प्रॉब्लम जैसा बैटरी पहले ड्रेनिंग हो रहा था वैसे ही लग रहा है, क्योंकि मैंने इसका यूज़ किया है। कल पूरी नाइट इसका मैं यूज़ किया है, तो लेकिन मुझे इसमें ऐसा कोई भी मेजर अपडेट बैटरी के रिगार्डिंग गाइज इसमें नहीं दिखा है मुझे। ठीक है, हाँ, पहले से जो एनिमेशन है जो काफ़ी स्मूथ हो गई है, जैसे यूट्यूब वगैरह की जो एनिमेशन है स्क्रॉलिंग की, थोड़ा बहुत लैग इसमें देखने को मिलता था गाइज, लेकिन अब ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी अच्छी इसमें एनिमेशन वगैरह हो गई है, देख सकते हो आप, कुछ भी लैग वगैरह ऐसे क्रैश नहीं हो रहा है। ठीक है, और पहले से थोड़ा ज़्यादा इसका बेटर जो स्मूथनेस है वो इसमें काफ़ी बेटर हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ आपको इसमें क्या कुछ नया फीचर्स देखने को मिलता है। तो गाइस, जैसे आप कंट्रोल सेंटर पे जाते हो तो ये टॉगल्स वगैरह का तो आपको पता ही है, ऐसे सेलेक्ट करते हो आप, और जो ये टॉगल्स है इनको आप एक दूसरे की जगह इनको यहाँ से मूव वगैरह कर सकते हो, जहाँ पर भी इसको कर सकते हो। जो ये iOS 18 में आया था वही है फीचर्स, तो ये कोई नया कुछ इसमें देखने को नहीं मिलता है। हाँ गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये कुछ आपको नया एनिमेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप इसको चालू करते हो तो पहले लंबा वाला देखने को मिलता था, अब आपको कुछ इस तरीके का देखने को इसमें मिल जाता है। उसके बाद में गाइस, जो नया सिस्टम आपको देखने को मिला है, आपको इसमें जो है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल गया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर किसी को कॉल लगाओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो ये आप इसमें कॉल रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हो। तो गाइस, जो इसका रिकॉर्ड होगा ऑडियो, ठीक है, जैसे कि आप किसी के ऐसे कॉल लगा दो गाइस, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको करोगे, ठीक है, आपको ये जो बता रहा है गाइस, यहाँ पे आपको बता रहा है कॉल ये है जो अनाउंस यहाँ पे करेगा। ठीक है, टाइम आया, अब ये जो कॉल है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगी गाइस। ठीक है, देख पा रहे हो, जैसे मैंने कॉल किया है जियो पे, और ये जो इसका कॉल है गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिकॉर्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो वापस ट्राई कर लेता हूँ मैं एक बार। जैसे ही मैंने इस पर कॉल किया, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का सेकंड देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद में गाइस ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो गाइस, ये अनाउंस करेगा आगे, ठीक है, मे बी कॉल बाय रिकॉर्डेड। अब गाइस, जैसे कि आप इसका कॉल का जो है इसको ऑफ करते हो, तो गाइस ये इसका नोट्स के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, इसको सुन भी सकते हो और यहाँ से शेयर भी कर सकते हो गाइस। ये कुछ इसमें आपको नोट्स में है, देख सकते हो, कुछ इसे अटैच करके इसको भेज सकते हो। ये कुछ गाइस इसमें नया फीचर्स देखने को मिलता है। और जो सीरी का भी गाइस, पुराना ही यूआई है, कुछ भी इसमें आपको चेंज देखने को नहीं मिलता है। सीरी का जो है सेम वो का वही आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एप्पल इंटेलिजेंस इसमें नहीं दिया है गाइस, ना इसमें एआई फीचर्स दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। एप्पल चाहता है कि इनके जो कस्टमर है नए नए फ़ोन खरीदे, इसलिए ये पुराने जो भी डिवाइस है उसमें ये कुछ भी इसमें देना नहीं चाह रहा है। तो गाइस यही है, और अगर आप इंस्टॉल करना चाहो तो बैटरी ड्रेनिंग का मुझे थोड़ा इशू है, जैसे पहले था वही है, वो इसमें फिक्स नहीं हुआ। बाकी गाइस स्क्रॉलिंग एप्स वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी स्मूथ है पहले से जो यूआई वगैरह है। और गाइस इसमें आपको 13 GB के आसपास इसमें आपको खाली स्पेस मिल जाता है। मॉडर्न फेयरवेल है जो इसका अपडेट हुआ है गाइस, तो 13 GB आपको इसमें खाली स्पेस देखने को मिल जाता है। उसके अलावा गाइस आपको कुछ भी फीचर्स नया देखने को नहीं मिलता है जैसे का जैसे ही सब कुछ है। तो गाइस यही था इसका रिव्यू। और ग्रीन लाइन स्क्रीन गाइस आपको नहीं आएगा, फ़ोन को आपको 80% चार्ज करना है, उसके बाद अपडेट करना है, और मोबाइल को ज़्यादा गर्म हो तब अपडेट ना करें, यही चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आपके ग्रीन लाइन स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं आएगी, मैंने अपडेट कर लिया आपके सामने। चलो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।